मैं अनुरोध करना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम कराया जा रहा है, बहुत अनूठी पहल है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में कानपुर में खिलाड़ियों द्वारा ये दीपावली मनाई जा रही है, इसको हम लोग ट्रैक पूजा भी कहते हैं। देखते हैं आप, हजारों बच्चे यहाँ पर हंसी खुशी से अपने अपने ग्राउंड को सजा रहे हैं। इन्होंने पहले चूने से अलाइनमेंट किया है, कहीं लाइनें खींची हैं, कहीं शुभ दीपावली लिखा है, कहीं हॉकी लिखा है, कहीं कुछ और रंगोली बनाई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सभी बच्चे लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, हजारों की संख्या में 25-30 हज़ार यहाँ मोमबत्तियाँ एक साथ जलाई जा रही हैं। बेहद खुशी का माहौल है। हम लोगों का ये प्रयास, इन बच्चों का प्रयास एक सामूहिक प्रयास है कि आइए हम मिलकर के इस अंधेरे से लड़ाई लड़ें, इन बुराइयों से लड़ाई लड़ें, और मिलकर के ही जो हमारा एक टीम स्पिरिट होता है स्पोर्ट्स में, उस टीम स्पिरिट से अपने गेम को आगे बढ़ाएँ, अपने समाज के लिए हम लोग एकता का परिचय दें और देश की खुशहाली की कामनाएं करें, यही उद्देश्य था। दिवाली एक उजाले का और सत्य की असत्य पर विजय का एक त्यौहार है, और खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। वो नित नए कीर्तिमान अचीव करते हैं, तो आज उनके पास एक टारगेट था कि बहुत छोटे समय पर इतने सारे बड़े एरिया में यहाँ पर दीप को प्रज्वलित करें, उन्होंने करके दिखाया, और इसी तरह से वो आगे बढ़ें, खिलाड़ी आगे बढ़ें, और दीपावली शांतिपूर्वक ढंग से पूरे हर्षोल्लास के साथ कानपुर नगर मनाई जाए, यही मेरा मैसेज है।